गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी हैप्पी एंड नाइस। आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा, इसी आशा के साथ आज फिर हम नए वीडियो लेक्चर में आपके साथ हैं। पिछले वीडियो जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था हाउ टू चेंज एक्टिव बॉयज इनटू पैसिव बॉयज, और आज इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको उससे आगे की बात बताएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केवल तीन टेंस की बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह से तीनों इंडेफिनिट टेंस हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। आज हम उससे आगे को पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है सारे टेंसेस, जितने भी बदले जाते हैं टेंसेस में वो, फिर कुछ बार जिनके साथ बाई नहीं आता, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कैसे बदलते हैं, आज हमें इतनी बात पढ़नी है। अगर इंटरोगेटिव तक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वीडियो लेक्चर में देंगे। इस आज की क्लास को समझने के लिए ये जो पहली क्लास वन जो हमने भेजी है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीज़ें समझाई हैं कि कोई किसी भी सेंटेंस को जब हम एक्टिव बॉयज से पैसिव बॉयज में बदलते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ये हमने उस वीडियो में समझाया है। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब कोई वाक्य लिखा होता है तो कैसा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब, पहला एक काम और कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है ना, कॉपी निकाल लीजिए और पेन भी साथ में निकाल लीजिए और फिर लिखते चलिए। सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदला जाएगा, अब हम इस पे बात करते हैं, ओके। सबसे पहली चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्टिव वॉइस भी क्या स्ट्रक्चर है उसको पहले हम समझते हैं। जो एक्टिव वॉइस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें सामान्य रूप से क्या होता है, सब्जेक्ट इज एमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक बड़ा सिंपल सी ट्रिक है चेंज करने की, अगर कहीं पर आईएनजी वाली वर्ब मिलती है, जैसे इसमें है ना वर्ब आईएनजी एक्टिव वॉइस में, तो हमें क्या करना है, उस वर्ब को तो थर्ड फॉर्म में बदलना ही है, उससे पहले बीइंग लगाना है मात्र। अगर हमने उससे पहले बीइंग लगा दिया तो फिर वो हमारा पैसिव वॉइस में बाकी चेंज हो जाएगा, ओके। बात समझ में आ गई ना, क्या करना है, केवल बीइंग लगाना है उससे पहले। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे सेंटेंस है, जैसे द बॉय इज ड्रॉइंग अ मैप, द बॉय, सेंटेंस है द बॉय इज ड्रॉइंग अ मैप, ड्रॉइंग अ मैप। अगर हमें इसको इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस ड्रॉइंग अ मैप को, तो हमें करना क्या है, ड्रॉइंग अ मैप ध्यान रखेंगे। हमने एक बताया इसका पहला जो रूल्स होता है वो क्या बताया, एक्टिव को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इसको इधर लाना है और इसको इधर ले जाना है, एक काम तो ये करना जो पहले सिखाया, ठीक है ना। और फिर क्या करना, ये जो इजेमार है यहाँ पर इसके साथ बीइंग लगा करके लिखना, ठीक है ना, केवल इतना करना, द बॉय के स्थान पर यहाँ हम लिख देंगे अ मैप, क्या हो जाएगा अ मैप, और फिर यहाँ पर इज, ये भी सिंगुलर है, ठीक है ना, और फिर बीइंग, ये जो बीइंग है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये बीइंग लिखना, अ मैप इज बीइंग। अब ये जो वर्ब आई ड्रॉइंग, इसकी हमें थर्ड फॉर्म करनी है ना,
ये तो VIP कार्ड है। पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही है, चाहे कोई भी टेंस हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या करना है, अ मैप इज बीइंग ड्रॉन, ये ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन। और फिर बाय द बॉय, बाय लगा करके ये जो सब्जेक्ट लिख देना है, पहले लिखना बाय और फिर वो सब्जेक्ट जो आगे वाला है, बाय द बॉय। ओके, समझ में आ गया। अब एक ट्रिक और समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग करके आया है उसको पैसिव में बदलना है तो करना क्या है, वो जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बदलनी है। ये तो करना ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलना ही है, ठीक है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इतना करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे ड्रॉन कर दिया, और इससे पहले बीइंग लिख देना, बस हो गया काम, पैसिव वॉइस बन जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है ना। एक और उधार देते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब एक नेगेटिव एग्जांपल देते हैं, अगला एग्जांपल, जैसे ही इज नॉट वॉचिंग अस, ही इज नॉट वॉचिंग अस, वॉचिंग अस। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, आप जरा बोलो तेज, हाँ बोलो, कैसा क्या बदला जाएगा, सपना बताओ, अस का क्या हो जाएगा, बोलो, वी और फिर नहीं, वी प्लूरल है, आर नॉट, बिल्कुल बहुत अच्छा, वी और इसकी थर्ड फॉर्म वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड और बाई हिम, बिल्कुल सही है। ओके, और फुल स्टॉप, ये पैसिव वॉइस हो गया। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये कैसे बनेगा, बैठ जाइए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे यहाँ IJMR आता है, यहाँ WAJBAR आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट लग करके आता है, ठीक है ना। जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो क्या करते हैं, इस वॉज वर्ब के बाद बींग लगा करके इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, से सारे रूल्स जो पहले वीडियो में बताए हैं वही हैं जो इससे पहले समझाया है। जैसे द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग और फिर काइट्स, चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइट्स को इधर लेकर के आएंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा, काइट्स, और फिर यहाँ पर जो आया तो काइट्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर का वर रहेगा, और अगर ये काइट सिंगुलर होता तो फिर वॉज हो जाता, काइट्स वर और इसके साथ बीइंग लिखना है, बीइंग और फ्लाई की थर्ड फॉर्म, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, FLOWN, ओके फ्लॉन, और फिर लिखना है वाई द चिल्ड्रन, वाई द चिल्ड्रन। ओके, अब मैं एक एग्जांपल इसका नेगेटिव और देता हूं, जैसे द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, दिख रहा है ना, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फुटबॉल को इधर लाना, ओके फुटबॉल, फुटबॉल, और फिर क्या करना है, ये फुटबॉल सिंगुलर हो गया तो वाज और फिर नॉट, वाज नॉट, और फिर बीइंग लिखना है, वॉज नॉट बींग,
और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर लिखना है बाय द बॉयज, बाय द बॉयज। ओके क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करेंगे बैठ जाइए अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा आगे की। इतना बात हमारा, इतनी बात हमारी समझ में आ गई हमने। अब हमारी जो दो टेंस हैं और हमने बता दिए, केवल आठ टेंस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीन टेंस पढ़ाते हैं और फिर आगे को बात करते हैं। जैसे पहला टेंस है अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके समझ में आ गया होगा छात्रों, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है ना। और एक ट्रिक और है, और वो ये है कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में लिखी है, कोई भी फॉर्म, तो वो जो मेन वर्ब है वो तो रहेगी रहेगी, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन लगा करके लिखना है, केवल इतना, और कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल इजी ट्रिक। समझ में आ गया ना? जैसे इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, पेन चेंज करते हैं तो दिखेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज बीन या फिर हैव बीन, सॉरी हैज या हैव, ये आएगी, और फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीसरी अवस्था वर्ब की यहाँ पर आती है, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये पहले भी करते आए, इससे पहले वीडियो में हमने आपको समझाया है, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर ही लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ पर हैज या हैव जो भी आया है इसके साथ में केवल बीन जोड़ देना है, ठीक है ना, केवल बीन जोड़ना है। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये है ही ऑलरेडी, तो इसको हमें चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसी उतार देनी है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखेंगे उस सब्जेक्ट से पहले बाई ऑन लिख देंगे, बस हो गया हमारा पैसे बॉइज, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, जैसे मोहन हैज रिटन द लेटर, एक्टिव बॉइज का एग्जाम्पल है, मोहन हैज रिटन द लेटर। ओके और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अब पहला काम इनको आपस में चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट को, तो द लेटर को हम इधर ले आए, द लेटर, और फिर ये जो हैज बीन, यहां पर हैज की जगह हम क्या कर देंगे? हैज बीन, और रिटन की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है इस टेंस में, तो उसको हमें वैसे ही लिखना है, और फिर बाई मोहन। ओके नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया ना। ऐसे जब नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना होगा? यहां पर नॉट लिखनी है हैज के बाद, कोई भी बाकी जब नेगेटिव होता है तो उसके जो नॉट होता है वर्ब की, अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है अगर वो दो शब्द की है या तीन शब्द की है, तो हम नॉट को हमेशा पहले शब्द के बाद लिखते हैं। जैसे ये हैज बीन है तो इसमें पहला शब्द क्या है? हैज, तो हैज के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देकर के इस टेंस को ख़त्म करता हूँ। जैसे ही हैज नॉट रीड ऑल द बुक्स, जैसे एग्जाम्पल हैं, एक ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज नॉट रीड ऑल द बुक्स, ओके, ही हैज नॉट रीड ऑल द बुक्स।
अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द बुक्स, हमें इसको आगे लाना है, यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल द बुक्स, ओके, ऑल द बुक्स। और फिर हमें क्या करना है? हैज नॉट, ये नॉट है ना, तो इस नॉट को भी लिखना। एक देखो गलती की हमने, क्या गलती की है आप बताओ जरा छवि? ओके, हैज की जगह हैव आएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, हैव आएगा, क्योंकि ऑल द बुक्स प्लूरल है, ठीक है ना, ऑल द बुक्स हैव नॉट बीन, ओके, ऑल द बुक्स हैव नॉट बीन। और फिर इसके बाद में हो जाएगा ये बाई लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड को रीडिंग बोलते हैं, रेड बोलते हैं, केवल प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम चेंज करते हैं, सिर्स वैसा ही रहता है। और फिर बाई लगा करके ही का हिम, ओके, समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। अब यहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आती है। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये क्या है, ठीक है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस और इसमें केवल थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या है, यहाँ पर हेड आता है, ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहले एक बार नोट भी करते चलिए साथ में, क्योंकि जब हम नोट करते चलते हैं तो वीडियो देखते समय मन भटकता नहीं है, ठीक है ना, और समझ में भी आता रहता है, साथ में याद भी चलता रहता है। और ग्रामर तो प्रैक्टिस से होती है, जितना आप लिखते चलेंगे पढ़ते चलेंगे साथ साथ करते चलेंगे उतनी प्रैक्टिस और वो चीज़ लर्न होती चलती है, ओके। अब जैसे सब्जेक्ट है, और यहाँ जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो एक्टिव वॉइस में इसमें वर्ब कौन सी आती है? हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेस वही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैड। इस टेंस में एक और अच्छी बात है, वो क्या अच्छी बात है, इसमें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पे हैज और हैव दो वर्ब होती हैं, उनमें से कोई एक चुननी होती है, लेकिन इस टेंस में ऐसा कोई झंझट नहीं है, एक ही वर्ब है हैड, वही लिखनी है, ओके। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल के साथ एक नई बात और सीखेंगे इस वाक्य में। जैसे सेंटेंस है, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम केम, ही विल हैव, सॉरी वाक्य गलत बोला है हमने, जैसे सी हैड रीड द बुक बिफोर सी स्लेप्ट, सेंटेंस है सी हैड रीड द बुक बिफोर यू स्लेप्ट, बिफोर सी स्लेप्ट, ठीक है ना, यू या सी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिफोर सी स्लेप्ट। अब इस वाक्य को बदलने में एक नई बात और सीखने को मिलेगी, वो क्या है, देखिए ये वाक्य दो हैं, एक दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, सेंटेंस तो एक ही है लेकिन एक दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये पहले वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी दो वाक्य होते हैं, सॉरी दो क्लॉज जुड़े होते हैं एक सेंटेंस में, तो हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, केवल हमें उसी का पैसिव वॉइस बदलना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो पहला प्रिंसिपल क्लॉज दिया है, इस प्रिंसिपल क्लॉज को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस जब हम बदलेंगे तो? बदल जाएगा ना लेखांश, क्या बदला जाएगा बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, द बुक, बिल्कुल सही है, द बुक हैड बीन रीड बाई हर, बिल्कुल सही, और सेस पैसे उतार देना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बिफोर सी स्लैप्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चेंज हो गया। नेगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट, हेड के बाद नॉट लिखते, ठीक है ना, समझ में आ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट हो गया, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है ना। ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है ना, अगला जो टेंस है हमारा जिसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका भी एक एग्जांपल देते हैं और फिर आप उसको करेंगे सॉल्व। जैसे
ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम. ही विल हैव सेंटेंस है ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम. अब इसको भी वही काम कर रहा है. इस टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है? केवल बीन लगा करके लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना. जितने भी हमने बताया है परफेक्ट टेंस हैं उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, जैसे इसमें दी हुई है, ठीक है ना. केवल बीन लगाना है पहले यहाँ इससे पहले, और पैसिव वॉइस हो जाएगा. और इसका ऑब्जेक्ट कितना कहाँ पर है? हिज लेसन, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें आगे लाना है. और जो शेष सेंटेंस है इसको हमें पीछे ही रहने देना है, ठीक है ना. बदल लेंगे. अच्छा चलो बदलो कोड पे आगे. नहीं बदलेगा. अच्छा आप बदलो, छवि बदल दोगी? अच्छा चलो बदल, आप कोशिश करिए, आइए. हाँ चलो बदलो, बोर्ड पे बदलो, लो लिखो. हाँ जी ये छवि पचौरी है हमारी. हाँ जी हाँ हिज लेसन. ये पूरा जैसे यहाँ पर ये पजेसिव केस होता है ना हिज लेसन, तो ये पजेसिव के साथ में ही रहता है, ठीक है ना, अलग नहीं हटता. हिज का हिज ही रहेगा, क्या हो जाएगा? हिज लेसन. और फिर सही है, विल हैव बीन, हाँ बिल्कुल ठीक है, लर्नड, हाँ अब यहाँ से वैसे ही उतार देना है, बिल्कुल सही है. नहीं, केवल हमें प्रिंसिपल क्लॉज चेंज करना है, ठीक है ना. कोई भी वाक्य लिखा हो, अब मैं मिटाता हूँ, कोई और उदाहरण देता हूँ, टेंस से रिलेटेड नहीं देता क्योंकि हमारे सारे टेंस हो गए, ठीक है ना. अब मैं एक एग्जांपल देकर के बात को आगे को बढ़ाते हुए फिर मैं आगे को बात शुरू करता हूँ. जैसे कोई वाक्य है, ठीक है ना, जैसे ही टोल्ड मी, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें भी वही समस्या जो अभी वाले वाक्य में थी, वो क्या थी? इसमें ये जो बाद में क्लॉज दिया है इसको हमें पैसिव वॉइस में नहीं बदलना, केवल जो प्रिंसिपल क्लॉज है आगे वाला इसको हमें पैसिव में बदल लेंगे. क्या हो जाएगा? ये मी का आई हो जाएगा, ठीक है ना. और कैसे बन जाएगा आई? अब ये टेंस कौन सा हो गया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना. अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम केवल इसको बदल लेंगे. क्या हो जाएगा? आई वॉज टोल्ड बाई हिम. ओके, केवल जो प्रिंसिपल क्लॉज है आगे का हिस्सा या पीछे का हो, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज है केवल हम उसी का पैसिव वॉइस बदलेंगे. ओके, क्या हो जाएगा? आई वॉज टोल्ड बाई हिम. और से सब वैसे ही वाक्य उतार के लिख देंगे, That honesty is the best policy. Okay? अब मैं एक example इसके बाद और लिखता हूँ, थोड़ा समझना है, ठीक है ना. एक बात बताना चाहते हैं उसको समझना. जैसे the thief, ये example हो गया. अब दूसरा example है the thief broke into my house last night. अब हमें इसका पैसिव कैसे बदलना है? The thief broke into, ये जो broke है ना, समझाना, break की second form, break माने तोड़ना, लेकिन broke into ये अलग verb हो गई, ठीक है ना. ऐसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कहें सपना लुक्स आफ्टर हर यंगर सिस्टर, ठीक है ना.
अब दो सेंटेंस हो गए ना दोनों में, लेकिन एक बात कॉमन है, वो क्या है कि यहाँ पर जो वर्ब आई है इसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है, जैसे इसके साथ इनटू लगा है और इसमें आफ्टर लगा है, वो क्या है, इसमें भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ रहा है और इस सेंटेंस में भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ रहा है, ओके। और जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आता है तो अभी मैं बता रहा था कि इस प्रेपोजिशन को हटाते नहीं हैं, ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माय हाउस, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर यंगर सिस्टर, ये ऑब्जेक्ट है, तो हर यंगर सिस्टर को आगे लाएंगे, इस सेंटेंस में माय हाउस को लाएंगे। ये लास्ट नाइट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये टाइम है, समय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। समय को आगे नहीं लाएंगे जब पैसे बदलेंगे तो, केवल ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो ये माय हाउस जब आगे आएगा यहाँ पर, जब हम पैसे बॉयज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो माय हाउस है इसको पहले लिख लेंगे, माय हाउस, ओके, माय हाउस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ वॉज हो जाएगा, वॉज ब्रोकन, और फिर ये इनटू, ये इनटू यही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम बाई लगा करके लिख सकते हैं, वाई द थीफ, ठीक है ना, और लास्ट नाइट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम चाहें तो लास्ट नाइट के बाद भी बाई द थीफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो लास्ट नाइट है इसको हम पहले लिख दें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनटू लास्ट नाइट, और बाद में लिख देंगे वाई द थीफ, ओके, क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ आ गई ना। ऐसे ही सेंटेंस है, सबसे पहले क्या करना है, टेंस समझना है, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर हर यंगर सिस्टर को आगे लिया, हर यंगर सिस्टर, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, और फिर अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है, हर यंगर सिस्टर एक वचन, तो इज, ओके, और लुक्स आफ्टर की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लुक्ड आफ्टर, इसको पूरा लिखेंगे, और फिर लिखेंगे बाय सपना, ओके, समझ में आ गई होगी इतनी बात बेटा, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कुछ वर्ब्स हैं, इनको समझाते हुए आज के इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करेंगे। ये कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद बाई नहीं आता पैसिव वॉइस में। मैंने जब लिखाया था तो बताया था कि जो पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं बदल करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर, उससे पहले बाई या उचित प्रेपो, हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई नहीं आता, ठीक है ना। कौन सी वर्ब्स हैं ये मैंने इस तरफ लिखी हैं, ठीक है ना, इनके बारे में और पढ़ते हैं एक बार कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर ये टॉपिक को यहीं पर आज हम फिनिश करते हैं, ओके। जैसे हमने लिखा है कुछ वर्ब्स हैं ऊपर, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, एस्ट्रोनाइज्ड का भी चौंक जाना होता है, ऐसे डिसअपॉइंटेड है निराश होना, डिस्ट्रेस्ड दुखी होना, डिसप्लीज्ड अप्रसन्न होना, अलार्म का मतलब चौंकना होता है। ये जो वर्ब हैं, ये जो सिक्स वर्ब दिए हैं, इनके साथ जनरली एट का यूज़ होता है, ठीक है ना, बाई नहीं आएगा और कोई दूसरा प्रपोजिशन नहीं आएगा। जब ये वर्ब आती हैं तो इनके साथ में हमेशा एट का यूज होता है, ठीक है ना। जैसे योर, मैं एक एग्जांपल देते हैं, हिज सक्सेस एस्टोनाइज्ड मी, एग्जांपल है, जैसे हिज सक्सेस, His success astonished me. अब इसमें बार बार astonished का यूज हुआ है, astonished मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। अब हम क्या करेंगे, जब इसको पैसे में बदलेंगे तो ये जो मी है इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर लिया, आई से सारी चीजें वही रहेंगी, आई को आगे कर लिया, और यहां पर वॉज आ जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वॉज astonished, ओके ना, I was astonished, और फिर लिखेंगे यहाँ पर by की जगह पर, पहले हम by लिखते थे, अब by नहीं लिखेंगे, at लिखेंगे, at
हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस। मैंने इधर बोर्ड पे लिख दिए हैं वर्ब्स, किसके साथ क्या प्रपोजिशन आता है, ये सारी वर्ब लिख दिए हैं। जैसे लिए पांचों वर्ब और इनके साथ लिख दिया है ये एट, ठीक है ना, ये एट आता है। ऐसे फिर नीचे वर्ब लिखी है ऐसे प्लीज्ड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइंड। इनके बाद प्रपोजिशन विद का यूज होता है, ये लिख दिया है ना विद, आप भी नोट कर लीजिए कॉपी पे, विद आएगा। फिर ऐसे नॉन ऑवलाइज्ड, इनके साथ टू का यूज होता है। और फिर नीचे वर्ब लिखी है कंटेंट, इंटरेस्टेड, इनके साथ इनका यूज होता है। एक एक एग्जाम्पल देते हुए हम बात को समाप्त करते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, जैसे सेंटेंस है अगला वाक्य माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, प्लीज्ड हिम। अब हम करेंगे क्या, जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हिम का ही आगे कर लिया ही, और फिर बाद में लिखेंगे ही वॉज प्लीज्ड, ही वॉज प्लीज्ड। और फिर यहां पर बाद में बाय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद, विद माई बिहेवियर। ओके, इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है, बिहेवियर। ओके, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से ये सारे वाक्य बदल जाएंगे पैसिव वॉइस में। एक अब इसका उदाहरण देते हैं, जैसे नॉन और ऑवलाइज्ड का, जैसे आई नोज हिम, आई नो हिम, सेंटेंस है आई नो हिम। अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा टेंस हो गया, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें क्या करना है, इस हिम को आगे लाना, ही और इसके साथ इस वर्ब का यूज होगा के एन ओ डब्ल्यू एन, और फिर टू आएगा नॉन के बाद, बाई नहीं आएगा, नॉन टू मी। ओके, ऐसे ही वर्ब है कंटेंट और इंटरेस्टेड, इनके साथ इनका यूज होता है। जैसे हम कहते हैं दिस बुक कंटेंस 100 pages, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है दिस बुक कंटेंस 100 pages। ओके, जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 100 pages हैं इसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट बना लिया 100 pages। ओके, और यहाँ पर जो वर्ब आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पेजेस हो गया प्लूरल आर, और कंटेंट, और फिर बाय दिस बुक, बाय नहीं आएगा, इन दिस बुक, इन दिस बुक। ओके, इस तरह से हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब टाइम कम पड़ गया, इसलिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रह गए उनको हम अगले वीडियोस में बदलाएंगे। अगला जो वीडियो लेक्चर देंगे आएगा आपके पास, उसमें सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे उनका पैसिव वॉइस बदलते हैं वो पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही साथ हम उसमें बताएंगे आपको जो इन्फिनेटिव होता है पैसिव वॉइस में उसको कैसे बदलते हैं। एक्टिव वॉइस में कहीं इन्फिनेटिव आ जाता है, कुछ और आ जाता है, कुछ ऐसी टिपिकल समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान कर देती हैं, अटका देती हैं, उनकी बात भी अगले वीडियो में करेंगे। ये क्लास सेकेंड है, और अगली जो वीडियो आएगी वो क्लास थर्ड होगी। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना वीडियो और उन्हें बताना। ओके, थैंक्स।